हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कॉन्सेप्ट, पढ़ेंगे हम लोग चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई लोगों को लगता है कि सर ये पेपर में आएगा नहीं, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर इसकी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना, आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से एक बार देखेंगे, चार कंटेंट हो चुके हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं पार्ट वाइज बच्चे, ये आपको पता है। और जो डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्या होता है, चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले समझें, इसके अंदर दो केस हम बनाएंगे, ठीक है ना। कितने केस बनाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम दो केस बनाएंगे, ठीक है ना। केस नंबर वन, सबसे पहले केस वन देखेंगे, ठीक है ना। केस वन क्या कहता है, जिसके अंदर ये बात बोल रखी होगी अगर क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर देयर रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, अगर ये बात लिख रखी है कि पार्टनर्स अपने रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना है जो भी सिखाऊंगा मैं। केस नंबर वन लग जाएगा, अदरवाइज केस नंबर टू लगेगा। केस नंबर टू कैसे लगेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, ये बोल रखा होगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट्स टू ट्रांसफर, क्या लिख रखा होगा, डू नॉट वांट्स टू ट्रांसफर, पार्टनर्स ट्रांसफर नहीं करना चाहते, यानी जनरली जो को या रिजर्व को कहां पर ट्रांसफर नहीं करना चाहते, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगा लाइक, ठीक है ना, लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया होगा लास्ट वाला पार्ट, तो उनको समझ में आया होगा कि क्या करना होगा इसके अंदर, है ना। वही तीन स्टेप लगेंगे इसके अंदर। अब सवाल उठता है, वन बाय वन करके हम इसकी डिटेल में जाते हैं। अगर सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रखा हो, हमें कैसे पता चलेगा, तो नॉर्मली ये केस होता है ज्यादातर, ठीक है ना, ये वाला केस होता ही नहीं नॉर्मली, ठीक है, 99% केसेस में यही होता है ना। तो आप इधर देखे बस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिख रखा है पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर या कुछ लिख रखा है, तो ये केस आपको लगाना है। इसके अंदर आपको दो एंट्री पास करनी होती है, ठीक है ना, दो एंट्री पास करनी होती है। पहली एंट्री जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, राइट, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट, राइट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार इसको लिख लो, एक बार मैं लिख दूं इसको, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वेरी कि सर क्या लिख दिया आपने ये। हाँ, अब चलते हैं दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, राइट, इसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, ये लॉस होता है ना, नेट लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी ये गिवन हो सकता है। और ये जो चीज होती है ये ओल्ड रेशो में एंट्री होती है, और ये वाली एंट्री भी ओल्ड रेशो में होती है, यानी कि ओल्ड रेशो में ही ये काम होगा। अब इसको बारी आती है कि सर समझा दो इसको, तो ठीक है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है ना, ये चारों की चारों चीजें एक तरीके से प्रॉफिट है, क्या है ये सारे के सारे, प्रॉफिट है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहला आता है जनरल रिजर्व, ठीक है ना, रिजर्व या जनरल रिजर्व का मतलब ही क्या होता है, ठीक है ना, कि भाई प्रॉफिट जो हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, वो सारा का सारा पार्टनर्स को देने की बजाय उसमें से कुछ पैसा बचा कर लिया है, ठीक है ना, हाँ, कि भाई यूज कर लेंगे कहीं पे काम आएगा ना, ओके, ये है नेट प्रॉफिट, है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। और ये है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका मतलब क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी कि
पार्टनरशिप फर्म ने एक ऐसा गुल्लक रख रखा है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डालती रहती है कि भाई अगर किसी भी वर्कर को किसी तरीके का कंपनसेशन देना पड़ा, कोई नुकसान होगा उनको काम करते हुए, तो यहां से दे देंगे इस गुल्लक से, वरना एकदम सडनली पैसा कहां से लेके आएंगे। तो उस गुल्लक का नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और एक गुल्लक बना रखा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने एक गुल्लक बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने जो पैसा लगा रखा है मार्केट के अंदर, अगर उस मार्केट बढ़े तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मार्केट गिरे और उस केस में लॉस होए तो उस लॉस को हम कहां से कवर करेंगे, भाई यहां से कवर करेंगे। उसके लिए ये गुल्लक काम आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यानी इन्वेस्टमेंट अगर फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएट का मतलब यहाँ पे बढ़ना नहीं है, फ्लक्चुएट का मतलब है कि कम हो रही होगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, है ना। अब ये सारे की सारी चीजें मान लेते हैं कि अब पड़ी पड़ी सड़ रही है, ठीक है ना, और ये सारी चीजें है क्या, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट पे किसका हक है, पार्टनर्स का हक है, है ना। अब ये सारी की सारी चीजें वापिस उनको कर देते हैं, चलो वापिस दे दो उनको, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, ठीक है ना, क्रेडिट होती है। अब उनको देंगे तो खत्म हो जाएगा सारा, है ना, सारा खत्म हो जाएगा, डेबिट कर देंगे, इसलिए मैंने सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स को देने का मतलब है कि उनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब उनकी कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, और क्रेडिट चीज को अगर बढ़ाना है तो फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट, वही मैंने किया है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री, दूसरी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट दूसरी एंट्री में, यानी कैपिटल कम करनी है किससे, अगर प्रॉफिट दे रखा तो प्रॉफिट से बढ़ रही है, अगर लॉस दे रखा तो उससे कैपिटल कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे से भी कैपिटल कम हो जाएगी, लेकिन नाम क्या है इसका, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। अब क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट नहीं पूछते, पूरी एंट्री आपको नहीं बनानी होती है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, जैसे बैलेंस शीट में ही दे देंगे जनरली जो करके, ये जनरली जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा लायबिलिटी साइड में, आप इसको क्या करोगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं दे रखा मान ले, तो एंट्री क्या बनी, ये नहीं दे रखे तीनों मान लेते हैं, ये तीनों नहीं दे रखे, तो एंट्री क्या बनी, जनरली जो अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब है जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां लिख दोगे इसको, बाई साइड में, ठीक है ना, यहाँ टू होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, बाई होता है, तो इसको हम कहां भेज देंगे, बाई साइड में, तो बाई जनरली जो लिख के ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसको, इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, है ना, क्लियर है। तो चलिए इसको तो हमने खत्म कर दिया, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर आ जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरह मैंने बताया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक, क्या करना है कि अगर रिजर्व को पार्टनर ट्रांसफर नहीं करना चाहते कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि जनरली जो दे रखा है, और जनरली जो कुछ भी दे दिया, जैसे 30,000 दे दिया, राइट, 30,000 जनरली जो दे दिया, ओके, तो आपको करना क्या है, ठीक है ना, अगर ये वाली केस है तो आपको करना क्या है, वही तीन स्टेप लगाने। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद आप ये देख लेना कि जितने भी पार्टनर्स हैं, ए या बी, जैसे मान लेते दो पार्टनर्स हैं, तो ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने गेन किया, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सॉरी, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना गेन किया, दोनों का निकाल लेना शेयर, किसमें, जनरली जो में टोटल कितना है 30,000, और उसमें शेयर यहाँ पे निकाल रखा होगा अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला, है ना, वो निकाल लेना। उसके बाद क्या होगा, इसकी एंट्री पास कर देना। एंट्री कैसे होगी, जिसने गेन किया होगा ना यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो में माइनस का रखा होगा उसको बोलते हैं गेन, तो जिसने गेन किया होगा उसको डेबिट कर देना और जिसने सैक्रिफाइस किया होगा उसको क्रेडिट कर देना, तो एंट्री बन जाएगी। जैसे बी ने गेन किया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए ने सैक्रिफाइस किया तो एज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जिन बच्चों ने इस पार्ट नंबर टू देख लिया ना, उसको समझ में आएगा हाँ क्या पढ़ाया सर ने, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार जरूर पीछे जाके देख लो, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 3 से 4 नंबर का, बहुत बड़े तरीके से करना उसको, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा, आज के लिए इतना ही, एक बार इसको लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब जुड़ चुके हैं, हाँ, डे बाय डे जो है नंबर ऑफ व्यूज बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।